खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जनपद के टांडा माजरा गांव में दिन निकलते ही उस समय सनसनी फैल गई जब घेर में सो रहे 47 वर्षीय सतपाल कश्यप की अज्ञात व्यक्ति ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली इलाके के टांडा माजरा गांव का है, जहां सोमवार को दिन निकलते ही घेर में सो रहे 47 वर्षीय सतपाल कश्यप की सिर में गोली लगी। डेड बॉडी खाट पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। परिवार के सदस्यों की माने तो उसकी किसी भी व्यक्ति से रंजिश नहीं थी। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने हत्या की वारदात के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी और जल्द हत्या का खुलासा करने की बात कर रही है। वो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, हर एक बात बच्चड़ की पता लगा कोई गोली मारे आग गया, पता नहीं कौन मार गया। क्या नाम था? सतपाल। लगभग उम्र कितनी होगी? 45 साल। क्या किसी से कोई रंजिश भी है? नहीं, रंजिश भी तो थी नहीं कोई। पुलिस पहुंची है? हाँ, पुलिस आएगी जी। खूब गोली मार गई जी। क्या आपकी किसी से कोई रंजिश है? नहीं जी। कहाँ पे सो रहे थे आपके पापा? बाग में जी। क्या पुलिस भी आई है मौके पर? हाँ जी, मौके पर पहुंची है। क्या नाम था आपके पापा का? सतपाल जी। उम्र लगभग कितनी थी? 45 साल। एक व्यक्ति हैं यहीं पे गांव में, अपने घर के बाहर बाग में सो रहे थे, रात में उनकी गोली मार करके हत्या की गई और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है, जानकारी की जा रही है, फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। घटना का अतिशीघ्र अनावरण करने के लिए हमने 3 टीमों का गठन किया है, अतिशीघ्र घटना का अनावरण कर दिया है। सर, क्या हत्या का कोई स्पष्ट कारण पता लग रहा है? अभी हम लोग गाँव में हैं, लगातार जानकारी कर रहे हैं, जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आता है उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे।